यूट्यूब के सभी व्यूअर्स को नीलम सिंह का नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैंने 2 सप्ताह पहले स्ट्रॉबेरी जो सामने दिख रहा है वो प्लांट नर्सरी से लाकर लगाया था। उसमें उस समय फ्लावरिंग थोड़ा हो रहा था, 1-2 फ्लावर था उसमें। अभी आपको सामने दिख रहा है कि फ्रूटिंग के साथ साथ हरा भरा भी हो गया है। दोस्तों, मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे स्ट्रॉबेरी के इस प्लांट को शेयर करें और दिखाएं कि देखिए कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। एक्चुअल मेरे यहाँ दोस्तों तापमान तो बहुत ज़्यादा है, 32-33 ऐसे रहता है। गोवा का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है इस विंटर सीजन में ही। फिर भी पिछले साल हमारा स्ट्रॉबेरी का एक भी फ्रूटिंग नहीं हुआ था। फ्लावरिंग हुआ लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुआ, पर इस बार देखिए मुझे लग रहा है दोनों टाइम मैंने इस स्ट्रॉबेरी के प्लांट में पानी थोड़ा थोड़ा डाला है। हमेशा मिट्टी गीला रखने की कोशिश की है, शायद यही वजह है कि इस बार इसमें फ्रूटिंग हुआ है फ्लावरिंग के साथ साथ, और आपको सामने दिख रहा है। देखिए, मैंने सोचा ये रेड रेड मीठे मीठे फ्रूट दिख रहे हैं, इनको तोड़ने से पहले आप लोगों को जरूर वीडियो बना के दिखाऊं कि थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप भी मेरी तरह छोटे से हैंगिंग पॉट में स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाकर और उसके मीठे मीठे फल का मजा ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरे वाले में भी 2-2 फ्लावर है, दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए, एक ए एक ए और एक नीचे, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। ये थोड़ा हेल्दी प्लांट था और 2 फ्लावर इसमें था जब मैं लेकर आई थी। 2 सप्ताह के बाद इसका ये रिजल्ट है। ऐसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस तो नहीं है, शायद यहाँ का तापमान ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा लग रहा है हमारा मेहनत रंग लाया है। ये देखिए, अब एक ये है, एक ये है और ये, और ये 2 रेड हो गए हैं और ये अभी ग्रीन है, और मुझे हेल्दी भी दिख रहा है। आगे भी इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और दिखाऊं। अगर आपको मेरी तरह प्लांट लगाने का शौक़ है, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, जो भी हो, तो ज़रूर लगाएं। जैसे जैसे आप को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको, वैसे वैसे आप अच्छा कर पाएंगे इस प्लांट लगाने और इसकी प्रोग्रेस में। जैसे मुझे मिला है, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया प्लांट लगाते हुए। ये छोटे से बालकोनी में मैं हमेशा चेंज कर करके कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, कभी फ्लावर प्लांट, कभी फ्रूटिंग वाला, और इस तरह कुछ ना कुछ मुझे एक्सपीरियंस हासिल होती है। भले पिछले साल मुझे उतना इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, फ्लावरिंग हुआ लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुआ, पर इस साल मैं खुश हूँ कि कम से कम फ्रूटिंग भी हुआ है और आगे भी होगा। जिस हिसाब से प्लांट हेल्दी दिख रहा है दोस्तों, किसी भी प्लांट को थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए। पानी हो, खाद हो, या फिर कीटनाशक हो, धूप हो, इन सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस फ्लावर में कितना धूप, कितना पानी और कितना कब कब कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है और कैसा मिट्टी बनाना चाहिए। ये सब का ध्यान आपको, ये सब का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी मेरी तरह कोई भी प्लांट लगा सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हैं और इस तरह से फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला मिले और फिर मैं आपके लिए इसी तरह नए नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।